नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चीजी पाव। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, और ये स्नैक्स में बहुत ही बढ़िया होता है। तो उसको बनाने के लिए हमें पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल चाहिए, एक बड़ा चम्मच ही लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च वो भी बारीक कटा हुआ है, एक प्याज भी ले लेंगे, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। उसे आधा मिनट इसे सौते करेंगे, और एक कैप्सिकम है वो भी बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और इसे भी मिक्स करते हुए पकाएंगे। साथ में एक टमाटर ले लेंगे, तो इसे भी हम इसी तरह से कट करके मिक्स करते हुए, और इसका क्रंच बरकरार होना चाहिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। कुछ मसाला डालेंगे, तो इसमें है 1 छोटा चम्मच है ये मिक्स हर्ब है, साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच ही ये है चिली फ्लेक्स। सबको मिलाते हुए हमें बस 1 मिनट पका लेना है, और गैस को बंद कर देंगे। हाँ, टेस्ट के अनुसार नमक ज़रूर डाल देंगे, और उसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसे ठंडा कर देंगे। और ठंडा करने के बाद इसमें हम ये प्रोसेस चीज़ है, तो ये 4 बड़ा चम्मच इसमें मिक्स कर लेंगे। आपके पास कोई भी मोजरेला चीज़ कुछ भी हो, उसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये जो हमारा पाव है, तो यहाँ पर हमने 2 पाव लिया है। इस पाव को हम बीच से कट करेंगे, और नीचे जुड़ा हुआ रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं कट करेंगे, ऊपर ऊपर हाफ कट करेंगे। और फिर इसके बीच में एक कट और लगाएंगे, यानी क्रॉस जो होता है ना, प्लस का चिन्ह, तो इस तरह से हम चाकू से कट लगा देंगे, और इसके अंदर हम इस मसाले को भर देंगे। तो ये जो मसाला है हमारा, बहुत ही टेस्टी मसाला है, और चीज़ मिक्स है, तो ये बहुत ही बढ़िया बनने वाला दोस्तों। तो इसे हम थोड़ा सा खोल के अच्छी तरह से इसमें भर लेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो होगा वो अच्छी तरह से चारों साइड इसमें टेस्ट इसका आ जाए। इसी तरह से हम दोनों पाव को भर लेंगे, और इसी तरह से आप सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तैयार है। तो इसे हम पैन में ही इसे हम पकाएंगे, यानी इसे सेकेंगे हम। तो इसमें पैन में बटर ले लेंगे, और हमारा जो बटर है वो थोड़ा सा पिघल जाए, फिर इसी में हम दोनों जो पाव है उसे हम रख देंगे। दोनों पाव को रख करके, और इसे हम ढक करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ढकने से क्या होगा कि हमारा चीज़ जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे, दोनों पाव को हम पलट लेंगे, और इधर भी हम नीचे साइड में भी हम बटर लगा करके इसे हम चारों साइड बटर से भी सेक लेंगे, फिर ढक लेंगे। ढकने के बाद ये अच्छी तरह से हमारा जो पाव है, चीजी मसाला पाव जो है वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारा पाव जो है तैयार हो गया है खाने के लिए। गर्मा गर्म इसे सर्व करें। इसी तरह से आप सैंडविच के बीच में भी यही मसाला डाल के, और इसे भी हम सेक लेंगे और बीच से कट कर लेंगे। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें।